अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग पबजी का लैग फिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे स्मूथली चला सकते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले मैं अपना इम्यूलेटर ऑन करता हूँ। ये पास मेरे पास सिमुलेटर ऑन हो चुका है, इसकी मैं सेटिंग में जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेटिंग भी ओपन हो चुकी है, इसकी सेटिंग करते हैं कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में मेरे पास सारे चेक्ड हैं, इसे अनचेक्ड कर देना जितने भी हैं। इससे आप लोगों के जितने भी बैकग्राउंड्स वगैरह इसके होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे और स्मूथली गेम चलेगी इसके साथ भी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने इसको रेंडर जो है इसको स्मार्ट मोड पे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद पहला भी अनचेक्ड रहने देना है, दूसरा भी और तीसरे को अनचेक्ड ही रहने देना है, और चौथा भी चेक्ड रहने देना है, चौथे ऑप्शन को भी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पहला ऑप्शन है इसको आपने क्लोज ही रहने देना है, मेमरी भी इसकी ऑटो रहने देनी है और प्रोसेसर भी इसका ऑटो रहने देना है। रेजोल्यूशन आप अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से कर सकते हैं, जितनी आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। उसके बाद आप लोगों ने डी पी आई आप लोग जितनी चाहिए उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं, 120, 160 या 240 भी, जितनी आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट हो आप लोग उतनी ये रख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर 160 पे ही रखता हूँ, 160 पे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम आते हैं गेम के अंदर। गेम के अंदर देख सकते हैं गेम रेजोल्यूशन मेरे पास 720 पे ही है, ठीक है, इसको 720 पे ही रहने देना है। डिस्प्ले क्वालिटी जो है ये आप लोगों ने ऑटो पे ही रहने देनी है, क्योंकि वो ऑटो क्वालिटी जितनी होगी वो ले लेगा यहाँ से, ठीक है। आपने इसको सेव कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ये तो होगी हमारी इम्यूलेटर की सेटिंग। अब मैं चलता हूँ थोड़े से सिस्टम की सेटिंग करते हैं, जहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल जो बनती हैं या चलती हैं उसको रिमूव करते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट मेन्यू पे आके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है परसेंटेज का साइन और टेम्प, फिर परसेंटेज का साइन, फिर एंटर कर देना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल जो है इसका फोल्डर ओपन हो चुका है। आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए के साथ और शिफ्ट डिलीट के साथ ऑल फाइल डिलीट कर देनी है। यहाँ पे वो कंटिन्यूस का ऑप्शन दे रहा है, आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा फाइल डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ फाइल्स रह गई हैं। इसको चेक करके ट्राई अगेन करना है, इसको चेक करके स्किप कर देना है, क्योंकि मेरे पे बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीज़ चल रही है इसकी, वो फाइल्स बाज कर रह जाती है, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास सेव चीज़ें भी हो चुकी है। अब मैं दोबारा इमुलेटर ऑन करता हूँ और अब गेम की सेटिंग करते हैं जाके। यहाँ से मैं गेम प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास गेम ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ गेम की। तो यहाँ से हमने ग्राफिक्स के अंदर जाना है। ग्राफिक्स के अंदर आने के बाद हमने इसकी जो फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट हमने हाई कर देने हैं, ठीक है। नीचे से इसका स्टाइल कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सॉफ्ट रखता हूँ, यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो आप लोगों की गेम स्मूथली चलेगी इसके साथ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।